सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018-19 की कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और बार बार बहुत सारे डाउट निकल के आ रहे हैं। कोई कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बता रहा है और कोई कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो बता रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आई होप आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो या आपके कट ऑफ हो, हाई कट ऑफ या लो कट ऑफ, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप रेलवे जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, कट ऑफ जितना लोग हाई बोल रहे हैं उतनी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। इस वीडियो में सब कुछ आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन की जो भी बातें वो भी आपके सामने आ जाएंगे और मैं आपको बता दूंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कैसे आप अपनी कट ऑफ का एक्सपेक्टेड जो भी कन्फर्म आइडिया लगा पाएंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप जितने भी डाउट हैं आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं, उससे रिलेटेड कोई भी आपका पॉइंट नहीं बचेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल की कट ऑफ से रिलेटेड, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो या कट ऑफ या फाइनल सिलेक्शन हो। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं कट ऑफ अभी लेके चल रहा हूँ, ये जो कट ऑफ है केवल आपके फिजिकल के लिए है। फाइनल में जो आपकी कट ऑफ होगी वो हो सकता है हाइक हो जाए, लेकिन उससे पहले कि मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बता के चल रहा हूँ, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा कि बिना नॉर्मलाइजेशन के केवल फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ बताई जा रही है, ये वाली जो कट ऑफ है फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018-19 के रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि इसका जो रिजल्ट जारी होने वाला है, कुछ ही टाइम में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी 31 मई को आपका रिजल्ट इसका जारी होना है। उससे पहले बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हो रही है कट ऑफ को लेके, क्योंकि बहुत YouTube चैनल पे बहुत सारे लोगों द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है कि आपकी जो कट ऑफ होगी इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी और फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने के लिए कम से कम आपको 80-85 इतने मार्क्स बताए जा रहे हैं कि इतने मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। अब इसी को देखते हुए सभी के मन में एक चीज़ हो जाती है कि हम फेल ना हो जाए, पास ना हो जाए। सिंपल सी बात है, जो बंदा एग्जाम दे के आएगा उसे तो ये क्यूरियसनेस रहती है कि भाई मैं फेल ना हो जाऊं, बस मेरा कैसा भी सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, पहली बात तो ये है कि ये आपका फाइनल स्टेज तो है नहीं, फाइनल स्टेज में जाके ये होता है कि भाई इस वाले स्टेज में मैं बाहर ना हो जाऊं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, खुद चीज़ों को एनालाइज करना होगा, उसी के बाद आपको ये डिसीजन लेना होगा। पहली बात तो ये रिजल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 10 से 11 दिन बचे, आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर करवा देना चाहता हूँ। तो जैसा कि सभी भाई लोग बता रहे कि 80-85 कट ऑफ जाएगी, तो एक आइडिया लगाइए, आपके लगभग 6 लाख कैंडिडेट को पास किया जाना है फिजिकल के लिए। और फिजिकल के लिए 6 लाख कैंडिडेट की अगर कट ऑफ 80-85 तक जाती है, तो फाइनल कट ऑफ जो 58,373 कैंडिडेट की होगी, इस हिसाब से तो वो लगभग 95 से क्रॉस कर जाएगी, यानी 95+ कट ऑफ रहने वाली है इस हिसाब से, जो वो लोग बता रहे हैं एक्सपेक्टेड के हिसाब से। भाई सारी चीज़ें ठीक है, आप एक अच्छा आइडिया लगा रहे हो, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन किसी को इतना गुमराह मत करो कि आपकी वजह से कोई अपने ट्रैक से हटके वो अपनी तैयारी को भूलकर से इसी सस्पेंस में रह जाए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और मेरे नंबर यहाँ पे बहुत कम है। तो देखिए, पहली बात तो ये, जो बंदा एग्जाम देता है उसी को पता होता है कि कंपटीशन कितना हाई है। मैं डिफिकल्टी लेवल बता दूं किसी भी, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट है, इतनी शिफ्ट है कोई कैसे बता सकता है, लेकिन इवन उसके बाद भी आफ्टरऑल लोगों ने बता दिया इस सब के बाद भी कि इस एग्जाम के इस शिफ्ट की ये वाली शिफ्ट ज़्यादा टफ थी, इसे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। भाई हाउ दिस पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मल्टीपल शिफ्ट होने के बाद जो बंदा खुद एग्जाम दे के आया है वो उस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि कौन सा किसका लेवल ज़्यादा हार्ड था, कौन सी शिफ्ट का। और मैं इस चीज़ को अगर एनालाइज करके बता दूं तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा बता दिया गया है कि ये वाली शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ है, उस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये डिसाइड करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है जो डिसाइड करेगा, बंदा क्या, पूरी एक एजेंसी है, वो है TCS। TCS के हाथों में आपकी पूरी, देखिए पहले बात तो ये, जब से TCS के पास आया है, नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तब से लक बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए,
आपका कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो डिसाइड करेगा वो करेगा TCS, और आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो आपकी मेहनत के साथ साथ वो आपका लक भी डिसाइड करेगा। तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए जो आपको 80 और 85 कट ऑफ बता रहे हैं। एग्जाम आपने दिया है, आपने सारी चीज़ें फेस करी हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन को लेके। नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ सामान्यीकरण की, तो मैक्सिमम 10 से 12 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। उससे ज़्यादा नंबर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई 30 से 40% किसी भी एग्जाम में इंक्रीज नहीं होते। इसलिए आप यहाँ पे 10 से 12 नंबर सोच सकते हैं कि आपके 10 से 12 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। उससे ज़्यादा नंबर आपके इंक्रीज होने के ना के बराबर चांसेस है। तो इसलिए अभी आपको फिलहाल फेल होने से ज़्यादा आपको ये सोचना है कि मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है। डेफिनेटली 6 लाख कैंडिडेट को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए, और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 6 लाख कैंडिडेट को। अगर देखिए मैं बात करूँ, कुछ टाइम पहले रेलवे का TCS ने एक एग्ज़ाम करवाया था ALP का, और जब ALP का रिजल्ट आता है तो आप सभी को पता है CVT फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। जिन्होंने क्वालिफाई किया था क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा सा ऊपर थे, 1-2 नंबर अराउंड, उन्हीं सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया गया था CVT फर्स्ट के लिए। तो उससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये तो वही SSC GD कॉन्स्टेबल का एग्जाम है और ALP में, और इसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो अभी आपके पास स्टेज भी होती हैं यहाँ पर, फिजिकल भी, मेडिकल भी, और फाइनल कट ऑफ भी। तो इसलिए यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ आपको काम करना है। कट ऑफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी उससे ज़्यादा कट ऑफ एट एनी कॉस्ट आपके फिजिकल के लिए नहीं जाएगी। 100% श्योर हूँ इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, गारंटी है इस बात की। आज नहीं तो 10 दिन बाद आप मेरे से बात कर लीजिएगा, जो मैंने ये चीज़ आपको एनालाइज करके बताई है, मे बी किसी ने बताई हूँ, आई डोंट नो। बट जब आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेंगे तो आपको खुद उस चीज़ पे ट्रस्ट हो जाएगा, आप मानने लगेंगे कि जो डाटा मेरे द्वारा आपको दिया गया था वो एकदम ऑथेंटिक, एकदम सही और सही तरीके से एनालाइज करके दिया गया था। लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आपको नहीं पता, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो बना के आपको कट ऑफ बता चुका हूं, लेकिन बार बार यही बातें सामने निकल के आती हैं कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ आई जा रही है, 80 से 85 से नीचे नहीं होगी। कुछ लोग बात कर रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल का कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं, हो सकता है आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी ना दिया हो और आप उसके बारे में एनालाइज करके बता रहे हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हाई कट ऑफ गई थी, लेकिन उसमें हाई कट ऑफ के साथ साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन बहुत लो मार्क्स पे हो गया था। रीजन सिर्फ एक, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण। आपको नहीं पता कौन सी सब्जेक्ट में किसे कितने ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए देखिए इन सब चीज़ों को छोड़ के फिलहाल अपना फोकस करिए फिजिकल की तरफ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पहले से ही दिमाग में फिक्स कर दिया गया है कि आपकी कट ऑफ 80 से 85 जाएगी, उन लोगों ने अभी अपने फिजिकल वगैरह की तैयारी बिल्कुल नहीं की होगी। डेफिनेटली आप घर पर बैठे होंगे, आई एम श्योर आप कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ये चीज़ बैठा दी गई है कि आपकी कट ऑफ तो 80-85 जानी है। भाई इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि आपके जितने बार डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। हमारा सिर्फ एक पर्पज़ रहता है आपका सिलेक्शन, आपका चयन हो जाए, फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएं किसी भी पोस्ट के लिए। हमारे लिए उससे और खुशी की बात कुछ नहीं होगी, गुमराह करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं अभी आपको 80-85 कट ऑफ बता दूं तो मैं जानता हूं हर बंदा मेरी बात को ना मानेगा, लेकिन अगर दो बंदों ने भी मान लिया और उनका जब सिलेक्शन हो रहा होता है, मान लो उनका नंबर आ जाता है, मैं उनसे कह देता हूँ आपका नंबर नहीं आएगा, और उनका नंबर आ जाए और उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की, तो उसका रीज़न सिर्फ मैं हूँ कि मेरी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कोई भी कैंडिडेट हो जो ऐसी गलती करे और अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपने हाथ में आई हुई जॉब को निकाल दे। बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई SSC GD कॉन्स्टेबल के लिए, फिजिकल की तैयारी करो, डेफिनेटली आप यहाँ से जॉब लेकर ही निकलोगे, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी जितना लोग बता रहे हैं। फिर मैं इन सब चीज़ों को दोबारा से एक बार आपको बता रहा हूँ, भाई बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन अभी जिंदा है ये समझ लो। जब तक नॉर्मलाइजेशन है जब तक किसी का कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। 6 लाख कैंडिडेट एक बार सोच के देखना, 6 लाख कैंडिडेट है, 6 लाख कैंडिडेट को पास करना है 31 लाख में से। नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिनके 30 मार्क्स भी नहीं आए होंगे, और वो लाखों की संख्या में होते हैं ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं लेकिन वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लेके आते और वो बाहर हो जाते हैं। इसलिए 6 लाख कैंडिडेट को पास करने के लिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ नेवर कभी पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपके जितने बार डाउट होंगे, जो भी डाउट होंगे, वो सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई भी डाउट बचे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है,
फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट के रिप्लाई दे दूं, या ना दे पाऊँ तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा सिर्फ एकमात्र एक ही मोटो है कि कैसे भी करके जो भी आपका सिलेक्शन है बस आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।